आपको बता दें कोरोना कर्फ्यू की तारीख लगातार बढ़ रही है, इस वजह से प्रधानों को अभी अधिकार मिलने के आसार नहीं है। शपथ होने के बाद ही उन्हें अधिकार मिलने हैं। इसी तरह कोरोना कर्फ्यू की तारीखें बढ़ती रहीं तो जून में ही प्रधानों को उनके अधिकार मिल पाएंगे। इसके बाद ही ग्राम पंचायतों के विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नतीजे आने के बाद अभी किसी को शपथ नहीं हुई है। ग्राम प्रधानों की शपथ जिला स्तरीय अधिकारियों को करानी है। इसके लिए हर ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की शपथ खंड विकास अधिकारी कराएंगे। अभी तक शपथ ग्रहण के लिए कोई तिथि घोषित नहीं हुई है। अब 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद भी तारीख आगे बढ़ सकती है। कोरोना कर्फ्यू के बाद ग्राम प्रधानों की शपथ होगी और बस्ते मिलेंगे। ग्राम निधि मनरेगा का भी काम इसके बाद ही शुरू होगा। गांव में लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। विकास की रफ्तार भी तेजी के साथ बढ़ेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के संपर्क करने वाले तो कई लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन चुनाव 15 जून के बाद होना है। आपको बता दें तब तक सब कुछ प्रशासकों के हाथ में ही रहेगा। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के बाद BDC की शपथ होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला अधिकारी शपथ दिलाएंगे, लेकिन जून में ही चुनाव के बाद ये प्रक्रिया होनी है। अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी नए ग्राम प्रधानों के शपथ के संबंध में कोई सूचना नहीं आई है। शपथ होने के बाद ही प्रधानों के खाते खुलेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतों में नए प्रधान के हाथ में ग्राम निधि की चाबी होगी। सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए कुछ काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई गई है। जब तक ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो अपनी पंचायत में विकास कार्य नहीं करा सकते। तब तक के लिए प्रशासक के रूप में ही ADO पंचायती कार्य करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण को माना जा रहा है। आपको बता दें ग्रामवासियों को उम्मीद थी कि नई सरकार बनने के बाद सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। उधर ADO पंचायत अनिल कुमार सिंह का कहना है कि 12 से 15 मई के बीच नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक कोई नया आदेश नहीं आया है। जब आदेश आएगा तभी गोपनीयता की शपथ दिलाने का प्रयास होगा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि काफी समय से प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को अस्पतालों में इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते अब सरकार ने प्रधानों की शपथ भी आगे टाल दी है। पहले मतगणना के बाद ही शपथ प्रस्तावित थी, लेकिन इसके बाद अब इसे जून में बढ़ा दिया गया है। प्रधान जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक उन्हें कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे में गाँव देहात में विकास कार्यों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण न होने से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में अकुलाहट है। जोखिम में चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद भी अभी भी वे विविधत प्रतिनिधि नहीं बन पाए हैं, इसलिए जिलों में इन्हें अधिकारी समुचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। पंचायतों के पास खूब फंड है, ग्राम प्रधान इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।